नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति शर्मा। द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेरा सच्चा सौदा में जाने वाले लोगों का डेरा वे गुरुजी के बारे में क्या कहना है। क्या आज भी उन लोगों का विश्वास डेरा सच्चा सौदा में वैसा ही है? वो आज भी डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं क्या? आज भी वे लोग अपने गुरु पर विश्वास रखते हैं? और आज हमने देखा है कि यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है, यहाँ पे काफी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो ब्लड डोनेट करने किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं और कितनी बार उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई है। आप देख सकते हैं आज हम डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम में मौजूद है और यहाँ पर आज के डेट में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हजारों लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज 2 सितंबर का दिन है और हम एक डोनर हमारे पास है और उनसे वन बाय वन एक एक से बात करेंगे। तो ये भाई जो आपके सामने बैठे हैं, आप देख रहे हैं, ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं। भाई इनसे बात करेंगे, इनका नाम जानेंगे, क्यों ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, क्या कारण है, किसकी शिक्षा से ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आइए जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। आप गाजियाबाद से? और स्पेशली मैं ब्लड डोनेट करने के लिए ही आया हूँ। वैसे तो डेरा सच्चा सौदा में मेरा लगभग आना जाना बहुत कम सा हो गया है, लेकिन किसी काम की वजह से, लेकिन मैं स्पेशली मैं ब्लड डोनेट के लिए ही आया हूँ। आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं इस समय 7वीं बार मैंने ब्लड डोनेट करा है। 7वीं बार, तो मतलब 7 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप। किन की प्रेरणा से आपने ब्लड डोनेशन कर रहे हैं? जैसे ब्लड डोनेट जो है, जो हमारे जो सच्चे संत जो हैं हजूर महाराज जी, उनकी प्रेरणा से ही हम जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि पहले हम जो है काफ़ी घबराते थे कि ब्लड देने से ये होता है वो होता है, लेकिन हजूर महाराज जी ने ही हमको ये प्रेरणा दी है कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता है और लोगों की जो है से जान, काफ़ी लोगों की जान बचती है। उन्हीं की प्रेरणा से ही हम ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आजकल मीडिया में डेरा सच्चा सौदा को किस तरीके से दिखाया जा रहा है और अंधभक्त भी बोला जा रहा है डेरे के लोगों को, आप खूनदान कर रहे हैं, नेकी के काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया जो है जहाँ धुआं होता है वो वहीं कवरेज करने जाता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कुछ नहीं दिखाते। तो मीडिया के बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं चाहूँगा, लेकिन मीडिया जो है 100% सच नहीं दिखाता। आप किसी के दबाव में आकर तो ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है, जब मैं गाजियाबाद से खुद स्पेशली मैं ब्लड देने के लिए आया हूँ तो इसमें तो किसी का दबाव का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। और जो भी आपकी भावना है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।